sir. तुम्हारी वाइफ की खबर सुनते ही मैं चला आया. I'm really very sorry. It's very tragic. हो जाएगी सर, ठीक हो जाएगी. मैं भी यही उम्मीद करता हूँ. She'll be all right. वैसे ऋषि, कुछ मालूम पड़ा कि उसकी हालत किसने की? No, no, I don't know. मुझे पता नहीं. I don't have any ideas. सही वक्त आने पर I'm sure सब कुछ मालूम हो जाएगा. ऋषि, बेटे, सब ठीक तो है ना? जितना ठीक हो सकता है उतना ठीक है ना. आपने बहुत अच्छा किया माँ जो आप आ गई. माँ इसीलिए तो होती है बेटा कि जरूरत में काम आ सके. ये मेरे बॉस हैं माँ सर. नमस्ते मिसेस सलूजा, कैसी हैं आप? ऋषि मैं चलता हूं. आई होप शी गेट्स वेल सून. यस. ऋषि कैसी हो आप बेटी? माँ जी अब थोड़ा ठीक लग रहा है ऋषि. तुम्हें अस्पताल लेके आना पड़ा था रेनू. तुम रात को बहुत अपसेट हो गई थी. बस अभी दोपहर को चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा. नहीं ऋषि, मुझे अभी घर ले चलो. अभी नहीं जा सकते हैं रेनू. ऋषि, मेरा इस अस्पताल में ठीक होना नामुमकिन है. ऋषि, इन सब के पीछे कोई राज है. हमारे घर में कोई राज है. ऋषि, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे घर ले चलो. ठीक है, कहो, यहीं कहो मुझसे. क्या कहो? नहीं ऋषि, प्लीज टेक मी होम, मुझे घर जाना है. ऋषि प्लीज. रेनू चलो बेटे, घर चलते हैं. तुम डिस्चार्ज ले आओ. अरे चलो बेटे. प्लीज ऋषि, प्लीज ऋषि, प्लीज. ठीक, ओके ओके. सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे, सब कुछ ठीक हो जाएगा. भगवान पे भरोसा रखो. मैं मंदिर जाके आती हूँ बेटा. ऋषि सुनो, ध्यान से सुनो ऋषि प्लीज. हम जब से यहाँ आए हैं अजीब चीज़ें हो रही हैं, हमेशा लगातार. ध्यान से सुनो ऋषि प्लीज़. जैसे चारों ओर मौत मंडरा रही हो ऋषि प्लीज़. सुनो ऋषि,
सोचो। एसपी ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या लॉफर क्या नौकरी माँ ये अरे ये है कहाँ मुंबई 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 अंकित मैंने अप्लाई भी नहीं किया हुआ है अरे तू टेलीग्राम कहाँ से आया तुमने क्या बताया तीन साल में मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया किसी ने बुलाया किसी ने नहीं बुलाया तुम समझ नहीं रहे ऋषि यहाँ पर जो कुछ भी तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था ऋषि हम सब मारे जाएंगे सब खत्म हो जाएगा ऋषि सब बर्बाद हो जाएगा प्लीज सोचो प्लीज आई एम नॉट लाइंग पांच मिनट भी आदमी दवाई देता तो हम डेफिनेटली केस आ जाते पर नहीं क्या हो गया उसे मैंने कहा था ना कुछ भी हो सकता है नमस्ते मिसेस सलूजा हेलो डॉक्टर साहब मैं ऋषि बोल रहा हूँ सर प्लीज़ मुझे किसी काम से जाना होगा आप यहाँ आ जाइए रेनू अकेली पड़ जाएगी प्लीज़ आप आइए सर मैं इस वक्त सिवाय आपके किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ सर प्लीज़ थैंक यू सर माँ 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 सब कुछ बिखर रहा है भगवान मेरा घर मेरी खुशी सब कुछ मेरे आसपास बर्बाद हो रहा है और मैं नहीं जानता ये क्यों हो रहा है किस लिए हो रहा है कौन है इसके पीछे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं जानता हूं तुम्हारे पास ये सारे जवाब है सारे जवाब मैं चाहता हूं भगवान और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे बाबा मां मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं मां पूछो बेटा मां मैंने बहुत ही खौफनाक नजारा देखा है मां और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो सच है या मैं धोखा खा रहा हूं मां कौन है मां किसमें इतनी शक्ति होती है जो खून का प्याला भी दे दे तो आदमी उसे अमृत मान के पी लेता है ऐसा तो पूरे संसार में एक ही है बेटा शैतान शैतान सालों जिंदा रह सकता है हाँ दूसरों के दिलों के जरिए वो अरसों से जिंदा है जिंदा रह सकता है इंसान की तरह जैसे मैं जैसे तुम वो जब भी चाहे पैदा होता है और जब भी चाहे गायब हो जाता है तुम मेरे बॉस के बारे में क्या जानती हो माँ तुम मेरे बॉस के बारे में क्या जानती हो माँ माँ मुझे पता है तुम मेरे बॉस के बारे में कुछ जानती हो माँ प्लीज क्या जानती हो बॉस के बारे में बेटे तुम्हारे बॉस को मैं बहुत पहले से जानती हूँ
उसके शरीर में दिल ही नहीं है, लेकिन उसमें कोई ऐसी शक्ति है जो इंसान को उसकी तरफ आकर्षित करती है, लुभाती है। और मैं भी बहुत बड़ी गलती कर बैठी बेटे। आज से कई साल पहले मैंने उससे शादी की थी और तुम उन्हीं के बेटे हो, और आज वो शैतान लहू का हिसाब मांग रहा है। All in good time, my boy. All in good time. Come, sit down. Sit down. That's it. मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार तुम क्यों कर रहे थे? मुझे भी जहर पिलाने का वक्त आ गया। वक्त तो आ गया है, मगर जहर पिलाने का नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी चुनने का। एक ऐसी जिंदगी जिसमें दौलत, शौहरत और ताकत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सारी चीजें आप मुझे किस चीज के बदले में देंगे मिस्टर सिन्हा? ये सलूजा कहूं तुम्हें? सलूजा सिन्हा क्या फर्क पड़ता है? तुम तो जानते हो मैं कौन हूं। हाँ मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम शैतान हो, शैतान का असली रूप। शैतान का असली रूप शैतान का असली रूप। हाँ मैं शैतान का असली रूप हूं, लेकिन एक बात और है, तुम मेरे बेटे हो। यू आर माय सन। मुझे नहीं पता आप कौन है। अब जो भी है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यू प्लीज लीव अस अलोन फॉर गॉड सेक। मुझे और मेरे परिवार को आप अकेला छोड़ दीजिए। भगवान के लिए आप अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। भगवान के लिए अकेला छोड़ दूं? किस भगवान की बात कर रहे हो तुम? वो भगवान जिसने तुम्हें आंखें दी है जिससे तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, जिसने तुम्हें हाथ दिए हैं जिससे तुम छू सकते हो लेकिन पा नहीं सकते, जिसने तुम्हें ये जिंदगी दी है जिस पर तुम्हारा कोई बस नहीं। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा जो तुमने अपने सपनों में भी नहीं देखी होगी। मैं तुम्हें उस मकाम तक पहुंचा दूंगा जहां तुम्हारा भगवान तुमसे पूछेगा कि तुम्हारी मर्जी क्या है, क्योंकि तुम मेरे वारिस हो, मेरे वारिस। तुम इस ग्रुप और कंपनी को उसी तरह चलाओगे जैसे मैं चलाता आया हूं। शैतान का बेटा, शैतान। मुझे रेनू की जान चाहिए, तुम्हें उसका दिल निकालकर मुझे देना होगा, क्योंकि रेनू वो सच्चाई की दीवार है जो हमें जुदा कर सकती है, और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आओ बेटे, आओ बेटे, आओ मेरे साथ।
जाओ ऋषि, अपना फर्ज पूरा करो। ऋषि सेव में, ऋषि मुझे बचा लो। ऋषि, ऋषि, ऋषि प्लीज सेव मी, ऋषि, ऋषि, ऋषि मुझे बचा लो। ऋषि, तुमने तुमने मुझे पवित्र अग्नि के सामने वचन दिया था कि देखो कि तुम मेरी रक्षा करोगे। ऋषि, ऋषि प्लीज, ऋषि, ऋषि, ऋषि प्लीज सेव मी। ऋषि, ऋषि जल्दी करो, ऋषि मुझे बचा लो। ऋषि, ये लोग मुझे मार डालेंगे। जल्दी करो ऋषि, ऋषि जल्दी करो। ऋषि, ऋषि तुम्हारा तुम्हारा बॉस शैतान है, उसके उसके शरीर में दिल नहीं है। जल्दी करो ऋषि। मैं जानता हूँ रेनू, मुझे पता है। ऋषि, और जिस दिल के सहारे वो जिंदा है, वो इस बिस्तर के नीचे है। और ये दिल उसी औरत का है जिसका इसका खून हुआ था दो दिन पहले। ऋषि, ऋषि जल्दी करो, जल्दी करो ऋषि, ऋषि जल्दी करो। ऋषि, ऋषि प्लीज। रेनू, रेनू मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो रेनू, जैसे मैं तुमसे कहूँ तुम दूसरी तरफ कूद जाना। दूसरी तरफ कूद जाना रेनू। One, two, now! Rishi! Rishi! Rishi, ये क्या कर रहे हो? Ah!